आजकल हमारे यहाँ के अध्यापक लोगों ने क्या कर दिया, लल्ले पेशाब लगाया डोंडा तो मालूम नंबर एक नंबर दो। एक घर में महक महीना और भैया मेहमानी खाना है, भैया मेहमानी खाना है, देखो कथा सत्संग पे चलती है, अनुभव करो माँ बहनों। महक महीना भैया आए मेहमानी खान तो बहन पूरी बनाए पुआ बनाए, बहुत हर कोई बहन अपने भाई की खातिर करती। अब शाम को खाना बन के तैयार हो, सबने खाओ, परिवार वाले ने खाओ, बितरा लग गए, अब घर में छोटो लल्ला यानी उनको भांजो। अब छोटो रुका बोले अपनी मम्मी, मम्मी आज मामा के पास पौड़ियां, मामा के पास, छोटा बच्चा करता है ऐसा नहीं। बहन कहा लगी जाने कौन सी बड़ी बात, भैया लल्ले अपने पास पौड़ा लिया ठीक है। अब लल्ला लेट रहे, ठंड का मौसम जानते हो माघ महीना, बहन जाके अपने सेन कच्छ में और वो भैया दूसरे कमरा और उन्हीं के पास पौड़े लल्ला यानी उनके भांजे। अब रात के बजे आठ, ठंड का मौसम माघ महीना, अब आठ बजते हैं, नाइट हो जाती है। अब लल्ला टेम्परेचर बढ़ो, हसाना याद करियो खटपटिया को, लल्ला को जब टेम्परेचर बढ़ो यहाँ ऑपरेटर को टेम्परेचर बढ़ी ना, हमें तो एक गाय समझ ना दूसरी गाय तैयारी। अब देखिए तो लल्ला कैसे करे, धीरे धीरे मम्मा के डर के मारे, अपने मामा के डर के मारे, अब लल्ले ही लगे नंबर एक की तैयारी। तो लल्ला कैसे करे, मम्मी गाना गया। अब जो गाना शब्द क्यों लल्ला उच्चार हो, बड़ा गहराई की बात, जब वो लड़का स्कूल से आओ तो अपनी मम्मी से कहा तो मम्मी नंबर एक गई नंबर दो गई, मम्मी ना समझ नहीं पड़ी पढ़ी लगी तो उन्होंने कहा तू यो पागल तेरे टीचर हो पागल, अरे नंबर एक पेशाब के लिए कहा नंबर दो लेटरिन के लिए, तो तू जाना के ये करो पेशाब तेजी से लगे तो तू हमसे जाके करो मम्मी गाना गई, मम्मी गाना गई, हम कहीं गाओ गाया ले मटर साहब वाली बात बंद। और लल्ला ने कहे दिन से नंबर एक नंबर दो छोड़ दो, फिर सब लगे तो कहे मम्मी गाना गई मम्मी गाना गई, मम्मी कहती गाया हो गया भाई जितनी देर गाओ उतनी देर गाओ, वो तो अपनी मर्जी। अब बाद ना जब लल्ला ने कही मम्मी गाना गई मम्मी गाना गई, धीरे धीरे ठनुके मामा ने सोची की दीदी ने जाए कहा सिखाओ, बहन ने जाए कहा सिखाओ, अब आठ नौ बजने वाले पड़ोसी क्या कहेंगे इनके घर का संगीत चल लो, मामा बोले चुप्पा लेट गाना नहीं गाना नहीं, लल्ला डर के मारे चुप्पा लेट गया। अब मीटर पहुंच गो हाई फाई, अगर कोई वाहन आप चलाते हैं चालक हैं और लाल मीटर अगर सुई होती है ठीक, अगर बल लाल भाई झीटा देने लगे समझ लो गाड़ी गड़बड़ करती। अब लल्ला को मीटर लाल जान लगो, अब लल्ला धीरे धीरे अब नाइक चैन पर एक ग्राउंड ले कौ कछु ऐठे बीठे दुखिया हाँ, अब गाना गाओ बहुत ताकत बन रही, जब ना तो रो लोग कहा लगो मम्मी गाना गैया, बहन के कान में आवाज पड़ गई भैया भैया हाँ बहन लल्ला क्यों रो, जाकर तुमने कौन सो नर चिखा दो इतनी रात में गाना गाए को बता पड़ोसी कहेंगे क्या कहेंगे, बहन कह दे अंदर से भैया गाय लेंगे वो तो रो देगा दिन भर में चाचा ना गाओ भैया का मालूम कौन सो नर दिया पारा गाओ। तो भाई ने जब सोचा कि चलो ठीक जब बहन कह रही आखिर भांजा है तो धीरे से लल्ला चिखा कर लल्ला तुम गाय लो गाना लेकर हम पहले विवत्ता बनाए लेंगे। अब लल्ला लेटे, अब मामा चारों तरफ से रजाई दाबी कह लल्ला ऐसे करके गाबो कोई पड़ोसी सुन पावे कि इनके घर क्या हुई, तो चारों तरफ से रजाई दाबी और मामा कहा लगे लल्ला तू मेरे कान में गाए ले। कहा कि तू मेरे कान में गाए ले, जब लल्ला ने कान में म्यूजिक फिट करी तो गाना क्या गाया, वैसे गाना गाओ तो भगवान जाने। अब जब लपसन का पेशाब कन्न लगे तो मामा का जो गाना कैसो जो गाना कैसो, तो भांजो का मामा जो गाना ऐसो जो गाना ऐसो, लगा सब शरीर मोर कमजोरी है क्या, बिन विद्या भारत देश I'm sorry.
देखिए कहां नंबर एक और कहां नंबर दो। कहां पहले हम सभी गुरु से आज्ञा लेते थे तो ये कहते थे कि गुरुदेव आज्ञा दे दो, मैं लड़शंका को जा रहे या प्रेस होनी को जा रहे। बोले गोविंद भगवान की। आज सुदामा भगवान के